कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबर एनडी टीवी, रिश्ता हर खबर से। रविवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में पीपल्स पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रामवीर सिंह चौहान ने दिल्ली सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तो 15 दिन के अंदर केजरीवाल को जेल का रास्ता दिखाना तय है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को चप्पल वाली सरकार बताया और उन्हें यह भी कहा कि केंद्र में भाजपा की जुमलेबाज सरकार को हटाने के लिए देश की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। आइए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता का, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजेगी 15 दिन के अंदर। 2020 में आप सरकार बनाने जा रहे हैं और इस मुद्दे पे सिग्नेचर पुलिस से 4 बच्चों की हत्या में और जो सफाई कर्मचारी सीवर में मरा है उनकी हत्याओं के लिए सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। इस मुद्दे पे हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 15 दिन के अंदर अंदर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। साथियों, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, टीचर्स की भी समस्या है, रक्षा सौदों का करना, एक और देश में एक बंदर बांट चल रही है। हर सरकार आगे नई योजनाएं लागू करती है, आज ये योजना आज वो योजना, और योजनाओं का फायदा किसको मिलता है? मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने ही लोगों को योजनाओं के प्रपोजल भिजवाते हैं, उन्हीं को वो पैसा दिया जाता है, उन्हीं की योजनाएं पास होती हैं और पैसा वापस मंत्री के पास पहुंच जाता है, उन लोगों के पास पहुंचता है पैसा। तो ये जो करप्शन का जो दूसरा रास्ता चल रहा है, ये करप्शन डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली में जो करप्शन किया जा रहा है इन सरकारों के द्वारा योजनाओं के नाम से, देश में 109 योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की, ऐसी दिल्ली की। दिल्ली में एक और योजना अभी अभी लॉन्च की है, आपके सामने उस बात को भी रखूंगा कि दिल्ली में अभी बुजुर्गों की ये अलायंस जो हमारा हुआ है उस अलायंस के लिए सभी साथियों के, ये जो हमारे महाराज जी हैं सामाजिक न्याय पार्टी चला रहे हैं, भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, हम पंजाब से सभी लोग हम लोगों के साथ हैं और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, तो दिल्ली का जो गरीब पिछड़ा मजलूम है वो एक साथ आ चुका है एक मंच पे, आपको इस यूनिटी को शो करने के लिए, ये यूनिटी और स्ट्रेंथ शो करने के लिए ही ये प्रेस वार्ता बुलाया है। एजेंडा क्या आपका एजेंडा, ये जो झूठ फ्रेम की सरकार है इसको हटाना है और अपने गरीब लोगों की सरकार त्याग बनानी है। और हमने पहले ही बता दिया कि जो समाज सदियों से इस गंदगी को साफ कर रहा है इस देश की, उस समाज की जिम्मेदारी बन गई है कि वो राजनीतिक गंदगी को भी साफ करे और नेतृत्व करे आगे। तो उस नेतृत्व को तैयार करने के लिए वो मानसिकता जो है उस मानसिकता को बदल के राज करने वाली मानसिकता बनाएंगे और इसके लिए हम एक वोट हमारा राज हमारा नाम से कैंपेन चला रहे हैं। 15 जनवरी 2018 को हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राजू पारचा, जो हमने अरविंद केजरीवाल के सामने मुख्यमंत्री के सामने हमने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, उनके नेतृत्व में पूरी दिल्ली में कैंपेन चलाया जाएगा वोट हमारा राज हमारा। सर आपने अरविंद सर से देखिए तो आप देख रहे हैं खबर एनडी टीवी, रिश्ता हर खबर से।